हे गाइस, आज हम बात करेंगे इस साल के सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबले के, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला, जो कि मैच नंबर 37 और आईपीएल 2023 का मुकाबला है। ये सबसे इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा इस मैच के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। धोनी जिस एसएमएस स्टेडियम पे आज खेलने जा रहे हैं गाइस, इसी स्टेडियम पे वह भारत के पटल पर छा गए थे। जी हां गाइस, वर्ल्ड क्रिकेट के पटल पर इसी ग्राउंड पे धोनी छाए थे, इसी ग्राउंड पे वो सबके फेवरेट बने थे। उन्होंने इसी ग्राउंड पे श्रीलंका के सामने 2005 में 183 रन यानी 183 नॉट आउट की पारी खेली थी गाइस। अब हम बात करते हैं गाइस, इस ग्राउंड पे आज कौन जीत सकता है। उससे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ग्राउंड है ये लो स्कोरिंग ग्राउंड है गाइस। सीएसके अपने पिछले दो मैचेस बहुत ही बड़े अंतर से जीती है गाइस, ठीक है। अच्छा गाइस, हम अब बात करते हैं आईपीएल 2023 मुकाबला 27 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स का सामना अपने घरेलू मैदान पर एमएस धोनी की येलो आर्मी से होगा। पिछली बार एमएस धोनी और संजू की टीम के बीच मुकाबला हुआ था, तो चार बार चैंपियन सीएसके को करारी हार झेलनी पड़ी थी। क्या इस बार सीएसके मुंह तोड़ जवाब दे पाएगी? तो तैयार हो जाइए गाइस इस मैच के बारे में जानने के लिए। इससे पहले जो लोग ड्रीम 11 खेलते हैं, फैंटेसी लीग खेलते हैं, उन लोगों को फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल एमकिंग स्पोर्ट्स में मिलेगी, और जो लोग मैच खेलते हैं, टॉस खेलते हैं, उन्हें भी एक्यूरेट विनर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा गाइस। जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए गाइस। साथ में गाइस, जो डिटेल एनालिसिस चाहते हैं वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स के हर एक मैच के बारे में, हमारे ब्लॉग्स को जाके पढ़िए जो कि mkingsports.com पे, और हमारे इंस्टा चैनल एमकिंग स्पोर्ट्स को ज्वाइन कीजिए डेली अपडेट्स के लिए। अब बात करते हैं प्लेयर्स कौन कौन से राजस्थान रॉयल्स के रखने हैं इस पिच के अकॉर्डिंग में, अगर आप ड्रीम 11 की टीम खेलते हैं या फैंटेसी लीग खेलते हैं। मेन प्लेयर है गाइस जॉस बटलर, जो कि अभी फॉर्म में नहीं है, मगर आज फॉर्म अपना यहां दिखा सकते हैं। संजू सैमसन, ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल। और अगर गाइस की प्लेयर की मैं यहां बात करूं गाइस, इसी पिच पे की प्लेयर जेसन होल्डर बनके साबित हो सकते हैं गाइस, तो उन्हें भी अपनी टीम में जरूर रखिएगा। साथ में गाइस संदीप शर्मा को भी आपको टीम में कहीं ना कहीं जगह बनानी है, उन्हें भी आप रख सकते हैं। और साथ में गाइस आर अश्विन। अब सीएसके के की प्लेयर्स की बात करें तो डेविन कॉनवे बहुत ही शानदार फॉर्म में, अजिंक्य रहाणे बहुत शानदार फॉर्म में, रविंद्र जडेजा को आप ले सकते हैं। मगर इस मैच में गाइस की प्लेयर बनके निकलेंगे महेंद्र सिंह धोनी। इस पिच पे धोनी का जलवा है गाइस, वो यहां के बादशाह है, तो आप उन्हें जरूर टीम में रखिएगा। स्टैट्स की बात करें गाइस, तो पिच जो है ये बैट्समैन और बॉलर को इक्वली सपोर्ट करती है, यहां लो स्कोरिंग ग्राउंड है, और आप अपनी टीम में बॉलर्स और ऑलराउंडर को पिक कर सकते हैं। अब टॉस की बात करते हैं, जो टॉस जीतेगा उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए, यहां लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चेस प्रेफर होता है यहां पे। रिसेंट रिकॉर्ड की बात करें लास्ट 5 सालों की गाइस, टी20 की एवरेज रन 125, टोटल विकेट 46 हुए, 24 पेसर्स ने लिए और 22 स्पिनर्स ने लिए। हेड टू हेड की बात करें गाइस, लास्ट 5 ईयर में टी20 में टोटल मैचेस प्लेड 10 हुए, राजस्थान ने 6 जीते हैं और सीएसके ने 4 जीते हैं। अगर हम बात करें, राजस्थान अभी तक 7 में से 4 मैच जीती है, उसी के साथ पॉइंट टेबल पर तीसरे नंबर पर। दूसरी तरफ चेन्नई 7 में से 5 जीतकर पहले नंबर पर। धोनी की टीम शानदार फॉर्म में, पिछले मैचों में कोलकाता के खिलाफ 235 रन का बड़ा टारगेट बनाया था, इसी में अजिंक्य रहाणे दुबे ने बेहतरीन परफॉर्म किया था, वहीं राजस्थान जीता हुआ मैच हार गई थी। ये मैच बहुत जबरदस्त होने वाला है गाइस, जैकपॉट मैच बन सकता है और प्रॉफिट भी जबरदस्त होगा। पिच जो है एवरेज स्कोरिंग मैंने आपको बताया था गाइस, और बॉलर्स को काफी सपोर्ट मिलेगा, हो सकता है लो स्कोरिंग थ्रिलर मैच देखने को मिले। एक्सपेक्टेड स्कोर गाइस 165 प्लस का होगा, और पावर प्ले 44 से नीचे का मिले तभी आप यस कीजिएगा, तभी आपका प्रॉफिट बन पाएगा गाइस, जो लोग पावर प्ले खेलते हैं मैच के लिए। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करते हैं गाइस, तो टोटल मैच यहां पे 48 खेले गए, फर्स्ट मैच बैटिंग 116, सेकंड बैट 132। तो गाइस जायसवाल, जॉस बटलर ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, तो आप उन्हें टीम में जरूर रखिएगा। सीएसके में ऋतुराज, डेविन कॉनवे ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, उन्हें टीम में रखिएगा। और गाइस मैंने जो आपको सबसे बड़ा अपडेट देना था वो ये था कि गाइस ये थ्रिलिंग मुकाबला होगा, महेंद्र सिंह धोनी जहां तक है इस बार सिर्फ 2-3 बॉलों के लिए नहीं, बकायदा अच्छी खासी बैटिंग के लिए पिच पे आएंगे, तो ये मुकाबला मिस मत करिएगा गाइस, और साथ में हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।